अजीज तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मजमून उर्दू जमात पंजम, अनवान बाबा गुलाम शाह बादशाह। इस के सबक नाम पहले बच्चों मैंने कुछ नए अल्फाज लिखाने जा रहा हूं जो आपको याद रखना है। विलादत, विलादत के विलादत फन तह जाए यह जाए इंसान जामतास पैदाइश। इमाम नमाज पढ़ाने वाला, इमाम वाना तस इस नमाज पढ़ना चो तस इमाम वाना। हयात की जिंदगी, हयात का चुना साइंस जिंदगी चुना हयात। पीर मुर्शिद जिसके दस्त पर बैत की हो, सो पीर यमस नश का बैत अस रट मजास तस वना पीर मुर्शिद। जायरीन के जियारत करने वाला, जायरीन के मन वना ये जियारत करने खदर एवान छ। मुतिद कहीं एक या ज्यादा, कहीं एक या ज्यादा। ये थे पहले बच्चे, पहले बच्चों कुछ नए अल्फाज। अब हम बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ने जा रहे हैं। पहले बच्चों बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सैयद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था। आपकी वलादत जिला रावलपिंडी तहसील चकवाल के मशहूर गांव सैदां कैसरा में 1833 ईस्वी में हुई थी। आपका खानदान इंतहाई शरीफ और दीनदार था। आपके वालिद सैयद मोहम्मद इदरीस बहुत बड़े रूहानी बुजुर्ग थे। उनकी जियारत सैदां के गांव में वाका है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का मिलान बचपन से ही दीनी और रूहानी मामला की जानिब से था। वालिद साहब ने आपको सैयद अब्दुल लतीफ जो इमाम बरी के नाम से बड़े भी जाने जाते हैं की तरबियत में रखा। इमाम बरी की तरबियत ने आप के रूहानी कमालात को जला बख्शी। अपने पैरों मुर्शिद के हुक्म की तामील करते हुए बाबा गुलाम शाह बादशाह ने अपने वतन से सफर हिजरत शुरू किया। रास्ते में कई मुकाम पर क्याम करने के बाद 1867 ईस्वी में शाहदरा शरीफ पहुंचे। ताठे बच्चों बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सैयद गुलाम अली था। क्या उस नाव इमस बाबा गुलाम शाह बादशाह इमस उस नाव सैयद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को उसमें नाव। आपकी विलादत जिला रावलपिंडी कैची इमस विलादत गमज जायश नाव गामस तथा शहर चुनाव जिला रावलपिंडी तहसील चकवाल, तहसील चक तहसील चकवाल के मशहूर गांव सैदा कैसरा में 1833 ईस्वी में हुई थी। कारगमस अर्धा शतक ईस्वी में गमस इंसस पैदेश। आपका खानदान इंतहाई शरीफ था। युस बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह उस एमसन युस खानदान योस इंतहाई शरीफ ते बेसम दीनदार। आपके वालिद युस एमसन वालिद सबोस एमसन उस सैयद मोहम्मद इदरीस बहुत बड़े रूहानी योस थजबाई का रूहानी बुजुर्ग थे। उनकी जियारत सैदा युस एमसन जियारत सैदा के गांव इंसान जियारत का गांव उस नाव सैदा के गांव में वाका है।
बाबा गुलाम शाह बादशाह का मिलान बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की जाने था। यूज बाबा गुलाम शाह बादशाह उस यूज मिलान मिलान क्या गो मिलान गो जोड़ना जोड़ना मिलान बचपन से ही वक्ति पढ़े वक्चार पढ़े उस मस दीनी तो रूहानी मामलातों कौन सा ओ सस माम दीनी तो रूहानी मामलातों की जानी थी। वालिद साहब ने आपको सईद अब्दुल लतीफ जो एमएम बरवी के नाम से भी जाने जाते हैं की तरबियत रखी। एमएम बरवी की तरबियत ने आज की रूहानी कमालात को जला बख्शी थी। अपने पैरों मुर्शिद के हुक्म की तामील करते हुए बाबा गुलाम शाह बादशाह ने अपने वतन से सर हिजरत किया। रास्ते में कई मकामात पर क्याम करने के बाद 1867 ईस्वी में शारजा शरीफ पहुंचे। ये थे चाचा बच्चो आज का सबक। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको घर पर दोहराएंगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे